वेलकम टू बर्ड्स आईटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, बहुत सारे भाइयों ने जो है ना वो मुझे कमेंट किए व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेजेस किए सॉरी। और एक भाई ने माशाल्लाह से जो है ना मुझे मैसेज करके बोला कि आपने कोकोनट वर्म्स के ऊपर जो है ना वो बड़ी वीडियोस बना दी हैं, बहुत सारा बता दिया है, जोर भी दे दिया है, तो अब मैं खरीदना चाहता हूँ लेकिन खरीद के मैं पालूंगा किस तरीके से। तो मेरे बड़े भाई, अगर आपने जो है ना वो मेरी वीडियोस देखी हैं और उसके अंदर पूरी देखी हैं, तो आपको ये भी पता होगा, मैंने उसके अंदर आपको ये बताया था कि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, उसके अंदर जो है ना ब्रीडर मौजूद हैं जो आपको जो है वो सिखाएंगे किस तरीके से आपने जो है कोकोनट वर्म्स की जो है ना वो फार्मिंग करनी है। ठीक है, बहुत सारे भाइयों का ये क्वेश्चन था कि कोकोनट वर्म्स जो है ना वो क्या हम पंजाब में पा सकते हैं। तो ब्रदर, जिन सबको पता है कि कोकोनट वर्म्स जो हैं वो पंजाब के अंदर भी पाले जा सकते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पंजाब के अंदर चूंकि वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो एक हब्बस जो है वो थ्रू आउट पूरी गर्मियों में हमारे पास रहती है, जो कि जाके तकरीबन जो है वो अक्टूबर के बाद ख़त्म होती है। ठीक है, तो बाकी नवंबर, दिसंबर और जनवरी के ये जो 3 महीने हैं, बल्कि नवंबर को भी आप निकाल दें, सिर्फ दिसंबर और जनवरी के ये 2 महीने हैं जिनके अंदर थोड़ी सी आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। ओवरऑल इन दोनों महीनों के अलावा आपको कोई किसी किस्म की जो है ना वो इशू नहीं आने वाले इंशाल्लाह। बाकी जितनी बातें मैं आपको करता हूँ, हो सकता है उसके अंदर कुछ गलतियाँ भी हों। ठीक है, तो आज मैंने जो है ना वो वीडियोस बनवा ली हुई हैं, तो वो वीडियोस मैं आप लोगों को माशाल्लाह से दिखा देता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के जितने सवालों के जवाब हैं वो दूर हो जाएंगे, और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे ये जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है इसके ऊपर जो है आप ज़रूर मैसेज करें, और मैसेज करके आपने जो है ना वहाँ लिखना है वर्म्स, या आप लिख सकते हैं कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि वहाँ पर शुएब भाई हैं, ठीक है, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वो हमारे ब्रीडर हैं। ठीक है ना, तो माशाल्लाह से उनके पास सही मकदार में जो है ना बीटल्स भी मौजूद हैं, वर्म्स भी मौजूद हैं, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए और जितनी जिस मतलब आपको अगर बीटल चाहिए तो वो भी मिल सकते हैं, और वर्म्स चाहिए तो वो भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको जिस तरीके से पता है कि मैं चाइना के अंदर मौजूद हूँ, और पाकिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर आपको पता है कि बैग्स शामिल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वॉलपेपर शामिल होते हैं, और उसके साथ साथ गैजेट्स भी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, या अगर आपको कोई घरेलू किस्म के गैजेट्स चाहिए जिसके अंदर हम होम अप्लाइंसिस वगैरह हैं, तो ज़रूर जो है मुझे इस व्हाट्सएप पर रब्ता करें ताकि आप लोगों के जो है वो ऑर्डर में पूरे कर सकूं। और माशाल्लाह से अभी भी पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने मेरी ही यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू जो है वो कांटेक्ट करके मुझसे चीज़ें मंगवाई हैं, तो इंशाल्लाह आपने भी जो है वो मंगवानी है, तो जल्द अज जल्द मुझे इस नंबर पर रब्ता करें ताकि आपकी प्रोडक्ट भी जो है वो जल्द अज जल्द आपके घर पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, मेरा सलाम। सर जी देखिए, ये एक मूवी और बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कोकोनट वर्म को जो है ब्रीडिंग के लिए जब रखा जाता है तो उसको जो है वो किस तरह का माहौल दिया जाता है। ठीक है, ये नेट मैंने फॉर सेफ साइड लगाया हुआ है बेसिकली, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लाइंग करने के मास्टर होते हैं, तो कभी कभी ये मूड में होते हैं तो ये फ्लाइंग शुरू कर देते हैं, सही है ना, तो इस वजह से मैंने जो है इनके लिए ये नेट लगाया हुआ है ताकि जो है इनको फ्लाइंग ना करने दिया जाए, बल्कि इनको जो है इनकी जो है अपनी जगह पे जो इनके लिए सूटेबल जगह होती है जिसमें इनकी फीड वीड सब चीज़ें शामिल हो, सही है ना, वहाँ पर आप इनको छोड़ दें, सही है। और ये टप है, टप के ऊपर एक मैंने चकोर खानों की जाली लगाई हुई है फॉर सेफ साइड, उसके ऊपर एक कपड़ा जो है वो दे दिया जाएगा ताकि जो है इनको जो है डायरेक्ट जो है ना सूरज की रोशनी या जो है ना वो ना पड़े, और इनको शेड वाली जगह पर रखा जाए, क्योंकि बेसिकली ये अंधेरे में या छुप के रहने वाला ये कीड़ा है, सही है ना, और जो है ये दरख्त के क्योंकि अंदर होता है तो इस वजह से जो है इसको जो है ना वो रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो तमाम दोस्तों के लिए ये मूवी बनाई है, देख लें वो अच्छे तरीके से, और इसको बिल्कुल इसी कंडीशन में ही रखें जिस तरह जैसे ये आपको मूवी में नज़र आ रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सारा आप लोगों को सलाम प्यार। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि लार्वा जो है वो किस तरह रहता है। ये आपको नज़र आए तो अंदर आपको लार्वा जो है नज़र आएगा, सही है। ये भी यहाँ पर, ठीक है जी। ये लार्वा, ये सारे जो है बेसिकली शेल्फ के अंदर होते हैं, उसी को खाते हैं और उसी में रहते हैं, सही। ये है इनका रहने का स्टाइल, इनको पालने का तरीकेकार। ये अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, मैं आपको आज ये दिखा रहा हूँ। ये जब ये शेल्फ में अपने चले जाते हैं, सही है, तो जब तक इनका शेल्फ बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, सूख नहीं जाता, जब तक जो है ना ये बाहर नहीं निकलते। अब ये देखिए, ये जो है बाहर आने की पोजीशन में आ गया, सही है। ये वर्म था, अब ये अडल्ट होके बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये मैंने इसका शेल्फ तोड़ा है, ठीक है। शेल्फ तोड़ के मैं अब इसको बाहर जो है वो मूव करवाऊँगा, ताकि जो है ये अपनी जो है ना आगे फर्दर जो है वो ब्रीडिंग के उसमें फॉर्म में आ जाए। ये है इसका प्रोसेस जो एडल्ट का होता है। जब ये एडल्ट बाहर आएंगे, आने के बाद इनको जो है वो थोड़ा सा स्टे कराया जाता है, एक क्या कहते हैं, ड्राई जगह पे। और स्टे कराने के बाद जो है ना इनको फिर मीटिंग के लिए जो है वो माहौल दिया जाता है, चीज़ें दी जाती हैं, खुराक दी जाती है, सही है। उसके बाद ये अपना जो है ना मीटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और मीट करते हैं, अपना ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं, वहाँ पर अंडे बच्चे शुरू कर देते हैं, सही। तो ये प्रोसेस है इसका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि ये लार्वा जो है एडल्ट होके अपनी शक्ल को जो चेंज करता है वो इस शक्ल में करता है और इस तरह ये बाहर आता है, ठीक है। तमाम दोस्तों के लिए सर मैंने आपको इसके अंदर दिखा दिए हैं कि किस तरीके से आपने बीटल्स की ब्रीडिंग करवानी है, फिर उसके अंदर प्यूपा जब वो बन जाता है तो फिर क्या करना है आपने, और जो एक चीज़ है कि अगर आपने उन्होंने अंडे दे दिए हैं ब्रीडिंग करवाने के बाद, तो उसके लिए आपने उनको कैसा माहौल देना है जिसके बाद जो है अंडों में से वो कीड़े निकल आएंगे और वो खुराक हासिल करके कितने बड़े हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम शुएब भाई ने खुद ही बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। लास्ट के अंदर मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अब आपको क्या चीज़ रोक रही है कि ये काम नहीं करना, ठीक है ना। मील वर्म्स के पीछे सारे पड़े हुए हैं और सबको पता है कि मील वर्म जो है ना वो पाकिस्तानियों ने गोबर से उठा के आपको बेचने शुरू कर दिए हुए हैं, तो कोशिश करें कि उस चीज़ को लाजमी अवॉइड करें, ठीक है ना। और ऑथेंटिक चीज़ की तरफ आएँ जिसकी चाइना के अंदर भी फार्मिंग हो रही है और बड़े पैमाने पर इसकी फार्मिंग हो रही है, क्योंकि इनके बहुत सारे जो हैं वो इस्तेमालात हैं, ठीक है। अब इस्तेमालात के अंदर आपको पता है कि ये जानवरों को भी दिया जाता है पीस के, उनकी फीड के अंदर इस्तेमाल करके प्रोटीन की कमी पूरी हो। अब आपको क्या लगता है कि वो चिकन जो है वो ज़िबा करके उसका पाउडर बना के और फिर वो खुराक में डाल के दोबारा चिकन्स को देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, या गायों की या भेड़ बकरियों की खुराक में तो यही मिले होते हैं। यही चीज़ें जो है ना आपको लोग बताते नहीं हैं, ठीक है। और इन्हीं को ड्राई करके इनका पाउडर बना के फीड में डाला जाता है और जिसके बाद एक अच्छे तरीके से जो है ना वो फार्मिंग के अंदर नतीजे हासिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो का खत्म हुआ चाहता, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ेमान अल्लाह।